चंडीगढ़ में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई एजेंडों पर मोहर लगी। एमएसपी के फैसलों को लेकर कैबिनेट में भी मंजूरी दी गई। सभी 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएंगी, ये कैबिनेट की मीटिंग में फैसला लिया गया। सभी फसल एमएसपी पर खरीदने वाला हरियाणा पहला राज्य बन गया। सीएम ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। अब सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाएगा, जिससे किसानों को बड़ा फायदा होगा। हरियाणा अब पहला राज्य ऐसा बन गया जहां पर सभी फसलों को एमएसपी के आधार पर खरीदा जाएगा। तो बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी ने इसका ऐलान किया था और उसके बाद कैबिनेट मीटिंग में इस एजेंडे को रखा गया, जिसमें कैबिनेट की मंजूरी मिल गई कि प्रदेश में सभी फसलों को, यानी कि 24 ऐसी फसल है जिस पर सरकार एमएसपी के आधार पर खरीदारी करेगी, यानी कि किसानों को सीधे तौर पर 24 फसलों में अच्छी कीमत मिलेगी, जिसके चलते किसानों को आर्थिक लाभ होगा। सीएम सैनी ने कहा पत्रकारों को संबोधित करते हुए कि हम किसानों के हित में लगातार फैसले ले रहे हैं ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति और भी ज़्यादा मजबूत हो, किसानों को फायदा मिले, किसान खेती बाड़ी में लाभ हो, इसीलिए सरकार इस तरह के फैसले ले रही है। तो बता दें कि कल कुरुक्षेत्र में रैली के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने इसका ऐलान किया था और अब कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी कि प्रदेश में 24 फसलों पर एमएसपी मिलेगी, यानी कि किसानों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। ये कैबिनेट की मीटिंग किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद रही। किसानों को 24 फसलों पर, यानी कि प्रदेश की लगभग सभी फसलों पर एमएसपी मिलेगी। इसके साथ ही शहीदों के परिवारों को नौकरी देने को लेकर भी मंजूरी दी गई। अग्निवीरों को लेकर भी आरक्षण को लेकर मंजूरी दी गई। अग्निवीरों को 10% तक आरक्षण मिलेगा नौकरियों में। अग्निवीरों को ग्रुप सी की परीक्षा पेपर में भी छूट मिलेगी। अग्निवीरों को उद्योग शुरू करने पर 5 लाख रुपए कर्ज दिया जाएगा, जिस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। अग्निवीरों के लिए कई योजनाएं जिस पर कैबिनेट में मंजूरी दी गई। पहला कि अग्निवीर अगर कोई उद्योग शुरू करना चाहते हैं और 5 लाख तक का कर्ज लेते हैं तो कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। सरकारी नौकरियों में 10% तक उनको छूट मिलेगी। इसके अलावा अगर अग्निवीर कोई हथियार के लाइसेंस लेंगे तो इसमें भी उनको प्राथमिकता मिलेगी। उद्योग को लेकर भी प्राथमिकता दी जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ साहिल लुखाया चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। साहिल लुखाया, कैबिनेट की मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए। बिल्कुल आसिफ, हरियाणा कैबिनेट की आज अहम बैठक जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई और कैबिनेट में जो है कुल 21 एजेंडे रखे गए, जिसमें से 20 एजेंडों पर जो है वो मोहर लगाने का काम जो है वो कैबिनेट की ओर से किया गया है। सबसे प्रमुख जो है एजेंडा जो है वो रहा, जिसमें कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र की धरती से जो है जो हरियाणा में 24 फसलें जो है वो एमएसपी पर खरीदने की घोषणा की थी, जिसको आज कैबिनेट में एजेंडा रखा गया जो कि पास कर दिया गया। तो यानी कि अब हरियाणा के अंदर जो 14 फसलें पहले एमएसपी पर खरीदी जाती थी, अब 24 फसलें जो है वो खरीदी जाएगी। तो ये अहम निर्णय जो है आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक के अंदर लिया गया है और देश का ऐसा पहला राज्य हरियाणा होगा जहां 24 फसलें जो है वो एमएसपी पर खरीदी जाएगी और जिसके अंदर रागी, सोयाबीन, नाइजर सीड और काला तिल, जूट पर एमएसपी जो है वो खरीदी जाएगी। और इसके साथ साथ एक अहम निर्णय जो है वो कैबिनेट में लिया गया, जो किसानों से आबियाना जो है वो लिया जाता था, वो 1 अप्रैल 2024 से जो है आबियाना नहीं लिया जाएगा और बकाना आबियाना भी जो है वो हरियाणा सरकार की ओर से माफ किया करने का ऐलान जो है वो किया गया है। ये जानकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद मीडिया ब्रीफिंग के दौरान जो है वो दी गई है। इसके साथ साथ जो बीसीबी को पंचायती राज संस्थाओं में राजनीति रक्षण जो है वो मिलेगा और इसके साथ साथ शहीदों के 14 जो परिवारों को सरकारी नौकरी जो है वो दी
दी जाएगी और एक बड़ा निर्णय जो है वो कैबिनेट के अंदर लिया गया है, जो अग्निवीर जो है उनको 10% आरक्षण जो है हरियाणा सरकार नौकरियों में देगी, और साथ ही साथ ग्रुप सी के जो पेपर जो है वो भी जो है नहीं लिया जाएगा, यानी कि उन्हें जो है प्राथमिकता जो है वो हरियाणा सरकार जो है वो नौकरियों में देगी। तो कई अहम बड़े फैसले जो है आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक में लिए गए, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री बिल्कुल साहिल लुखाया, आज की कैबिनेट में 21 एजेंडे रखे गए थे जिसमें से 20 को मंजूरी दी गई, यानी कि किसानों को और जो शहीद जवान हैं उनके परिवारों को तवज्जो दी गई। इसके अलावा अग्निवीर योजना को लेकर कई और प्रावधान किए गए। आप हमारे साथ बने रहिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है उसका रुख करते हैं। तो आपको बता दें कि आज कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जिसको लेकर लोगों को काफ़ी फायदा होगा। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला लिया गया, हरियाणा सरकार की तरफ से धोलीधार ब्यूटी मार मुकरीदार को लेकर भी मालिकाना हक के लिए कर सकते हैं आवेदन, इसको लेकर फैसला लिया गया। 20 साल होने पर आवेदन कर सकते हैं। तो बड़ी खबर, सांसद कार्तिकेय शर्मा ने इस मुद्दे को उठाया था, इसको सरकार ने मंजूरी दे दी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। आपको बता दें कि धोलीधार बूटी मार मुकरदीदार को लेकर यह फैसला लिया गया, मालिकाना हक के लिए आवेदन कर सकते हैं। साहिल लुखाया हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल लुखाया, ये बहुत बड़ा फैसला सरकार का है, सांसद कार्तिकेय शर्मा लगातार इस मामले को लेकर उठा रहे थे। बिल्कुल, लगातार राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा इस मुद्दे को लेकर जो है वो उठा रहे थे, और कई बार सरकार के संज्ञान में भी जो है सांसद कार्तिकेय शर्मा की ओर से उस मुद्दे को रखा गया। अब जो है सरकार की ओर से निर्णय लिया गया कि हरियाणा में धोलीदार बूटीदार और मुकरीदार जो है वो अपने मालिकाना हक के लिए जब 20 साल पूरे हो जाते हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं। पहले क्राइटेरिया ये था कि 6 महीने के अंदर अंदर आवेदन करना पड़ता था, लेकिन 20 वर्ष पूरे होने पर कभी भी जो है मालिकाना हक के लिए आवेदन जो है वो किए जा सकते हैं। ये बड़ा निर्णय हरियाणा सरकार की ओर से लिया गया है, खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से। बिल्कुल साहिल लुखाया, कह सकते हैं कि सांसद कार्तिकेय शर्मा जिसको लेकर लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे थे, अपनी मांग उठा रहे थे सरकार के सामने, उन्होंने रखा था, लोगों से वायदा भी किया था, अब वो पूरा हो गया। सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में इस पर मुहर लगा दी। बिल्कुल, जिस तरीके से पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और सांसद कार्तिकेय शर्मा जब जब भी हरियाणा सरकार के समक्ष इस तरीके के मुद्दे जो हैं वो उनकी ओर रखे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की ओर से भी उसे पूरा करने का काम जो है वो किया जाता है। लगातार लंबे समय से कार्तिकेय शर्मा की ओर से इस मुद्दे को जो है सरकार के समक्ष रखा जा रहा था, तो सरकार की ओर से जो है एक बड़ा निर्णय जो है वो इस मामले में लिया गया है, यानी कि राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा की जो मुहिम है वो कहीं ना कहीं रंग लाई है, और बड़ा निर्णय हरियाणा सरकार की ओर से लिया गया है। जी आसिफ, बिल्कुल। और इसके अलावा साहिल, अग्निवीर को लेकर विपक्ष जो निशाना साध रहा था सरकार के ऊपर, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था, अग्निवीर के लिए बहुत कुछ हरियाणा सरकार ने दे दिया। इसमें नौकरियां भी हैं, नौकरी में आरक्षण भी है, उद्योग करना चाहे तो फिर पैसा भी मिल सकता है, लाइसेंस में भी उनको छूट मिलेगी, काफ़ी प्राथमिकताएं दी गई हैं अग्निवीरों को। तो विपक्ष का अब मुंह बंद हो जाएगा इसको लेकर। बिल्कुल, जिस तरीके से अग्निवीर योजना को लेकर जब केंद्र सरकार की ओर से इस योजना को लागू किया गया तो देश में काफ़ी जो है इसका विरोध देखने को मिला। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठाने का काम कर रहा था, सरकार को घेरने का काम जो है वो किया जा रहा था, तो इसकी घोषणा जो है अग्निवीरों की जो 10% नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा जो है वो तत्काल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से की गई थी, और अब इसको जो है अमली जामा पहना दिया गया है, यानी कि कैबिनेट इसको मंजूरी दे दी गई है। आज जब नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं उनकी ओर से घोषणा की गई है कि हरियाणा के अंदर जो है उन्हें जो है आरक्षण जो है वो नौकरियों में दिया जाएगा, चाहे वो ग्रुप बी की नौकरियां हो, चाहे वो ग्रुप सी की पदों की नौकरियां हो, उसमें जो है अग्निवीरों को छूट दी जाएगी, ग्रुप सी के पदों में 5% आरक्षण। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आज की कैबिनेट की मीटिंग काफी अहम थी, 21 एजेंडों को रखा गया जिसमें से 20 को मंजूरी मिली, इसमें अग्निवीरों के लिए